नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेज में दोस्तों मैं हूं कुमार वर्मा कैसे आप सभी लोग राज पटेल जी क्या हाल है बाहुबली कैसे हैं आप नेहा गुड़िया कैसी हैं आप राज पटेल जी वाह वाह क्या बात है तक्षशिला तक्षशिला प्रकाश तिवारी जी को नमस्कार है लोकेश मीना को भी नमस्कार है हर हर महादेव आ गए राजस्थानी मीना को भी नमस्कार है लोहार बुआ लोहार लोहार बॉय को भी नमस्कार है मनीष कुमार बहुत अच्छा बेटा क्या बात है शानदार तो चलिए अब गाड़ी को हाँका जाए पूर्णिमा बिटिया बहुत अच्छा शानदार अशोक सोरेन अस्मिता जय हिंद सभी दोस्तों को नमस्कार है एक बार फिर से चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं फिर बात करेंगे अभी आगे देखिएगा सवाल आपके सामने आ चुका है पहला सवाल है पहला सवाल देखिएगा ध्यान से पहला सवाल देखिएगा ध्यान से देखिएगा प्यार से देखिएगा मोहब्बत से देखिएगा इसमें कमी मत करिएगा चलिए जल्दी बताइएगा जल्दी बताइएगा दोस्तों जल्दी बताइए हाँ क्या आंसर है युवराज चौधरी जी युवराज चौधरी जी क्या बात है युवराज युवराज बाबू मनेश कुमार का ए आ रहा है डी आ रहा है ए आ रहा है डी आ रहा है अल्लाह भैया नाच गाना स्टार्ट हो गया पहले ही सवाल में नाच गाना स्टार्ट हो गया राजस्थानी मीना ने सी कहा बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है राजस्थानी मीना एकदम सही आंसर आपने दिया है एकदम सही आंसर दिया सिक्किम का है याद रखिएगा क्या लिखा है लोसुंग त्यौहार लिखा है लोसुंग त्योहार लिखा है लोसुंग का मतलब होता लो 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 भैया लो 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 पैसा लो पैसा लो ये लो ये लो पैसा लो पैसा लो 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 सिक्का लो सिक्का ये लो 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 सिक्का लो सिक्का लो काहे लो भैया मारुति खरीद लो मारुति मारुति खरीदवा आप मारुनी ये क्या लिखा है मारुनी लिखा है मारुनी भी क्या है मारुनी भी एक क्या है बेटा यह भी एक प्रकार का लोक नृत्य है कहाँ का कहेंगे सिक्किम का है हमने कहा लो सिक्का कहोगे का करने के लिए तो आप कहना गुरु जी मारुति खरीदना मारूती। मारूनी है मारुति ये मारुनी है मारुनी तो मारुनी भी यही कहा है ठीक है ना बात समझ गया नमस्कार बेटा नमस्कार चला भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है यानी कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अगर बात किया जाए संविधान अगर बात किया जाए उपराष्ट्रपति के निर्माण में जो पहले बोलता था सर उसका नेम नहीं लेते चलिए अब नेम लेंगे अब नेम लेंगे परेशान ना हो गुड़िया पूर्णिमा गुड़िया चलिए अतुल कुमार ठीक है हा, हा, जल्दी बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है एकदम सही बात है क्या बात है एकदम सही आंसर है शानदार है प्रखर यादवाज नेहा सैनी बहुत बढ़िया राज पटेल शानदार बाहुबली जय हो याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के दोनों सदनों के ये देखा भैया गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया बेटा पहला सवाल कहता भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है दूसरा सवाल कहता संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है अगला कहता राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है और अगला कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा होता है ये बेटा एक बात याद रखिएगा एक बात यहाँ पर याद रखिएगा जो उपराष्ट्रपति होता है यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर कुछ हमको लोचा लग रहा है सवाल में देखिए ये क्या है उपराष्ट्रपति है उप क्या है उपराष्ट्रपति है ये उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है ना तो इनका जो निर्वाचन होता है इनका जो निर्वाचन होता है कैसे होता है तो आप कहेंगे इनका निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के दोनों सदनों के दोनों सदनों दोनों सदनों यानी लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा के सभी सदस्यों द्वारा क्या होता है इनका निर्वाचन होता सभी सदस्यों द्वारा ये बात ध्यान दीजिएगा हमने कहा सभी सदस्यों के द्वारा होता है यहाँ पर निर्वाचित सदस्य होते ही हैं गड़बड़ क्या हुई सर गड़बड़ यही हुआ है गड़बड़ देखिए क्या हुआ सवाल में वहां जो पीछे दिया था वहां पर लिखा है निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं ऐसा कह रहा है लेकिन वास्तविकता क्या है उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी जो राष्ट्रपति राज्यसभा में बारह लोगों को नॉमिनेट करता है वो लोग भी क्या करते हैं वो लोग भी वो लोग भी क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है ना इसीलिए सभी सदस्य लिखा हुआ लेकिन अगर राष्ट्रपति लिखा होता अगर राष्ट्रपति कहता तब इसका निर्वाचन कैसे होता है तब आप कहेंगे संसद 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 के के ये कहना दोनों संसद के दोनों सदनों के दोनों सदनों के, दोनो सदनो के क्या होते हैं दोनों सदनों के क्या करते हैं निर्वाचित सदस्य भाग लेती हैं बेटा क्या लेते हैं निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं है? निर्वाचित तो सदस्य, सदस्य ये जरा कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा अपना निर्वाचित सदस्य केवल राष्ट्रपति के लिए काम करते हैं मतलब जो बारह लोगों को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति साहब वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में लेकिन उपराष्ट्रपति में सभी लोग लो झोंकम झोंक झोंकते हैं ये बात याद रखिएगा यहाँ पर जो सवाल लिखा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित लिख दिया है ना यही निर्वाचित क्या करता है थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है दोनों सदनों के यहाँ पर सभी होना चाहिए बेटा यहाँ सभी सदस्य होना चाहिए निर्वाचित नहीं होना चाहिए सभी सदस्यों के द्वारा होता है ये बात ध्यान दीजिएगा तो बी नंबर आपका आंसर होगा अगला सवाल देखा जाए सवाल अगला है साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान देखा। साहा <coughs> साहा की बात करता है साहा की बात करता है जल्दी बताइएगा साहा की बात करता है जल्दी बताइएगा जल्दी जल्दी क्या बात, क्या बात है क्या बात है एकदम सही बात है सही बात है चलिए इधर देखिएगा ये कहाँ पड़ता है बेटा कहेंगे गुरु जी ये शाह नाविकी भौतिकी संस्थान की बात किया जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है मेघनाथ है मेघनाथ साहा है मेघनाथ साहा है इन्हीं इन्हीं के द्वारा क्या होता है इसका स्थापना होता है कहाँ पर होता तो है स्थापना तो आप कहना गुरु जी इसका स्थापना होता है कहाँ पर सीसी आर -सी वाह वाह वा। क्या बात वा है सीसी आर गच्चा खा गया बच्चा सभी लोग सभी लोग गच्चा खा गया देखिएगा यहाँ पर जहर सवाल है जहर ये क्या लिखा है बेटा जहर सवाल लिखा है जहर तो ये जहर घोल के पीना है यहाँ पर किसका किसका आंसर है राज पटेल राजस्थानी बीना अस्मिता गुड़िया प्रखर यादव मनीष अंकित बहुत बढ़िया क्या बात है सभी लोग यहाँ पर नाच गए हैं नाच गए हैं बेटा नाच गए हैं सभी लोग नाच गए हैं नाच मेरी बुलबुल बुल तो पैसा मिलेगा गुप्ता गुप्ता हिमांशु नाइनटी सिक्स जी हाँ आंसर ठोका बाबू आंसर ठोका जल्दी ठोका बहुत बढ़िया लोहार भैया बहुत बढ़िया लोहार बाबू क्या बात करे लोहार बाबू यहाँ ठोक दिए हैं लोहार लोहार बाबू ठोक दिए हैं बहुत बढ़िया है एकदम सही बात है पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में क्या है यह साहा की, साहा भौतिकी भौतिकी संस्थान यहीं पर अवस्थित अवस्थित है और ये एक भौतिक भौतिकवाद थे भौतिक विद थे याद रखिएगा फिजिक्स में बहुत बड़े विद्वान आदमी थे नेक्स्ट सवाल है शिक्षा का अधिकार किस वंश मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है शिक्षा के अधिकार की बात करता है बेटा शिक्षा का अधिकार कह रहा किस मौलिक मौलिक अधिकार में किस वर्ष शामिल किया गया जल्दी बताइएगा प्रखर यादवाज हमें इंतजार है आप सभी लोगों के आंसर का जल्दी बताइए इधर देखा गुप्ता जी ने 2008 ठोक दिया 2008 ठोक दिया गच्चा खा गया बच्चा गच्चा खा गया बहुत बढ़िया लोहार बाबू क्या बात है बाबू बहुत अच्छा याद रखिएगा इसका जो ये लागू हुआ था कब हुआ था कहेंगे एक अप्रैल एक अप्रैल 2010 को क्या होता है लागू होता है ये वही शिक्षा का अधिकार है और किस अमेंडमेंट के द्वारा कहना संविधान संशोधन दो के द्वारा क्या होता है यह शिक्षा के अधिकार को संविधान में आर्टिकल नंबर ए में क्या होता जोड़ा जाता है साथ में याद रखिएगा यह मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा जाता है लेकिन पूरी तरीके से लागू कैसे होता लागू कब होता पूरी तरीके से लागू कब होता तो कहना लागू होता है एक अप्रैल 2010 को होता है बहुत बढ़िया क्या बात है शानदार राजस्थानी मीना नेक्स्ट सवाल देखिएगा अगला है भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है मूल अधिकार की बात करता है मूल अधिकार नहीं है मूल अधिकार नहीं है कौन सा मूल अधिकार नहीं है देखिए पहला कहता सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तो हिंसा का त्याग करना हमारे नी मिली जू ये भैया पर गड़बड़ लिखा है ये अधिकार की बात नहीं है मूल कर्तव्य है ये क्या है ये मूल कर्तव्य बड़ा ज्यादा एरर आज दिख रहा है आज बहुत ज्यादा एरर दिख रहा है देखिए यहाँ पर लिखा फंडामेंटल ड्यूटी लिखा है यानी फंडामेंटल ड्यूटी लिखा है में गड़बड़ा दिया है गुरु जी बना दो मोहे पटवारी अच्छा बना दो मोहे पटवारी एकदम पटवारी बनेंगे रगड़ के बनेंगे ताबड़तोड़ तरीके से बनेंगे देखिएगा जल्दी बताइएगा इसका आंसर टाइपिंग एरर एरर आज है ज्यादा दिखाई दे रहा दूध तो ऐसे दिखाई दे, दे दिया साफ साफ चलिए जल्दी बताइए अशोक सोरेन साहब गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी झुकेगा ना आप झुकेगा ना अब झुकेगा ना बहुत बढ़िया क्या बात है देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा नहीं है देखिए

प्रेरित करने वाले महान विचार हैं उसको भी क्या करना है सम्मान करना है उनका भी पालन करना है यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर डी हो गया आप समझ गए नेक्स्ट सवाल देखिए एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है सबसे अधिक किसकी होती है खाद्य श्रृंखला जो होता है फूड चेन जो होता है उसमें बात करता है सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होते हैं बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बेटा बना दो मुहे पटवारी बाबू जल्दी बनाओ गा नाच गाना भी स्टार्ट हो जाएगा परेशान ना हो नाच गाना सब होगा यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम चलेगा क्लास में बेटा परेशान ना होइएगा चलिए यहां पर ए आ रहा बी आ रहा बहुत बढ़िया देखिए नाच गाना शुरू हो चुका है नाच गाना शुरू हो गया है देखिएगा खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक आबादी किसकी है ये पूछ रहा राज पटेल साहब बी ठोक दिए राज पटेल साहब बी ठोक दिए देखा भैया नाच गाना स्टार्ट हो चुका है नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा सही पैसा मिलेगा बाहुबली जय हो और जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ बाहुबली क्या बात है लाजवाब लाजवाब प्रखर यादवाज क्या बात है बेटा यादवाज प्रखर यादवाज शानदार बेटा छा गया ये कौन होता है उत्पादक है उत्पादक यानी जो प्रोड्यूसर है जो पेड़ पौधे हैं जो प्लांट हैं जो वनस्पतियां हैं वही क्या कहा जाता है उसी को कहा जाता है प्रोड्यूसर कहा जाता है और इन्हीं की संख्या क्या है ज्यादा है ज्यादा ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ठीक है ना नेक्स्ट सवाल है रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है हेडक्वार्टर की बात करता है हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर की बात करता है जल्दी बताइए कहेंगे गुरु जी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है नीदरलैंड में पड़ता है और नीदरलैंड की राजधानी क्या है हेग इसी हेग में पड़ता है इसका मुख्यालय किसका रासायनिक हथियार निषेध संस्थान ये वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ठीक है ना आया तो बात समझ गए अगला है 1930 में सभी अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मैराथन मार्च यानी यात्रा किस स्थान से शुरुआत हुई किस स्थान से शुरुआत हुई जल्दी बताइएगा जल्दी बताइएगा विनोद विनोद बाबू प्रखर यादवाज कविंद्र कविंद्र कुमार बबलू 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 बाबू जल्दी बताओ बाबू बबलू यार देखा ये है अपने गांधी जी हैं ये कौन है बाबू ये है गांधी जी गांधी जी ये इनका चश्मा है और इनका छड़ी है छड़ी गांधी जी के साथ कितने कहेंगे अठहत्तर अनुवाई अठहत्तर अनुवाई क्या करते हैं यात्रा पर निकलते हैं कहां से कहेंगे गुरुजी साबरमती आश्रम से साबरमती जो आश्रम है यहां से यात्रा होता कहां तक कहेंगे दांडी तक इस यात्रा की जो दूरी होती है 322 किलोमीटर होती है और टोटल दिन लगता है कितना कहेंगे दहाई चारी काई डेज लगता है 24 दिन की यात्रा होती है और ये दांडी पहुंचते कब है कहेंगे छह अप्रैल को पहुंचते हैं छह अप्रैल को पहुंचते हैं और उन्नीस को पहुंचते हैं लेकिन शुरुआत कब होता है तो कहेंगे शुरुआत होता है कब कहेंगे बारह मार्च को स्टार्ट होता है कहानी और उन्नीस सौ तीस ईस्वी को स्टार्ट होता है बारह मार्च उन्नीस सौ तीस को साबरमती से चलते हैं दांडी तक छह को पहुंचते हैं और यही छह तारीख क्या करते हैं यहाँ पर नमक कानून तोड़ करके तत्काल प्रभाव से क्या करते हैं गांधी जी यहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं और कहाँ से होता है तो कहेंगे ये से होता है सब देख रहा है विनोद अच्छा विनोदवा देख रहा है बहुत बढ़िया विनोदवा हेयर देख बाबू हेयर देख कह रहा कहा था एक तेरा बाइट में कितना गीघा बाइट हो बाबू देखा हेंग देखा का कहा था सवाल राजस्थानी मीना बाबू देखा सवाल देखा का कहा था, था? प्रखर निषाद देव देव निषाद जी प्रखर यादवाज राम सिंह युवराज चौधरी जल्दी बताइएगा जल्दी बताइएगा बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है रे बाउ बहुत अच्छा एक हजार चौबीस एक हजार चौबीस क्या होता है एक हजार चौबीस गीगा बाइट होता है यानी जीबी होता है जीबी एक जीबी होता है याद रखिएगा कहानी याद रखिएगा कहानी एक बाइट में कितना बीट होता है एक हजार चौबीस बाइट होता है एक एमबी में कितना होता है कहेंगे गुरु जी एक हजार चौबीस क्या होता है हमने कहा एक, एक जीबी बराबर कितना होता है कहेंगे गुरु जी एक हजार चौबीस क्या हो जाएगा टीबी हो जाएगा एक टीबी हो जाएगा

हबल साहब ने क्या बताया था हबल साहब ने बताया था कि जो एक गैलेक्सी है ना गैलेक्सी वह क्या होती हमसे बहुत दूर जा रही है अभी भी हमसे दूर जा रही है तो पूरी तरीके से किससे संबंधित है तो कहेंगे खगोल की से संबंधित है हबल का नियम ये बात यहां पर ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट हबल देखिएगा नदी द्वीप माजुली की बात करता है माजुली जो भारत का पहला भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है यानी याद रखिएगा असम के असम के सीएम हुआ करते थे जिनका नाम था सर्वानंद सोनवाल इनका नाम क्या सर्वानंद सर्वानंद सोनवाल का नाम याद रखिएगा ये सोनवाल साहब का नाम याद रखिएगा तो सर्वानंद सोनवाल ने क्या किया था इसे नदी जिला घोषित कर दिया नदी जिला घोषित कर दिया किसे कर दिया आप कहेंगे माजुली को और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा जाता है लेकिन यहां पर देखिएगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी ये क्या लिखा सावधानी हटी ये सावधानी हटी हटी और दुर्घटना क्या हुआ घटी दुर्घटना घटी ये बात यहाँ पर लपेट लीजिएगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी एक याद रखिएगा मॉन्ट्रियल याद रखिएगा मॉन्ट्रियल ये क्या याद रखेंगे मॉन्ट्रियल याद रखिए मॉन्ट्रियल कहां का शहर है कहेंगे मांट्रियल जो शहर है ये कहां का है कनाडा का शहर ये कनाडा का शहर है और यह किस नदी में है तो आप कहना ये आपका नदी है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस नदी है यह सेंट लॉरेंस नदी है और इस सेंट लॉरेंस नदी में क्या है यह द्वीप है द्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा कहा जाता है नदी द्वीपीय शहर यह नदी द्वीपीय शहर कहा जाता है नदी द्वीपीय शहर कहा जाता है शहर लेकिन जो मांजुली आपने देखा था मांजुली जो आपने देखा था ये मांजुली जो देखा था किस नदी में है कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी में है ब्रह्मपुत्र नदी में है और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है नदी द्वीप है यह नदी द्वीप कहा जाता है कहां का पूरे दुनिया का पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है अगर केवल नदी द्वीप पूछेगा तो क्या कहेंगे आप कहेंगे माजुली और केवल कहेगा नदी द्वीपी शहर कौन सा है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कहेंगे मॉन्ट्रियल है मांट्रियल, मांट्रियल। को नदी में है तो आप कहना ये आपका सेंट लॉरेंस नदी है बात आप समझ गए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका आंसर हो जाएगा असम राज्य हो जाएगा असम राज्य को झोंक दीजिएगा अगला अगला देखा अगला निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर खिलाड़ी ब्राजील का है ये देखा ब्राजील का एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर है ये सवाल आपसे पूछा है और तो तो साउंड थोड़ा बढ़ा दा साउंड बढ़ा दा साउंड बढ़ाता बढ़ा 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 एक बात याद रखना झुकने का नहीं लाइफ में कभी झुकने का नहीं और झुकेगा ना याद रखिएगा जल्दी बताओ बेटा जल्दी बताओ देखा जाए किसका आंसर है कमेंट हमें दिखाया जाए कमेंट हमें दिखाया जाए तत्काल प्रभाव से <laughs> कमेंट हमें दिखाया जाए तत्काल प्रभाव से जीना है तो है यार देखा। क्या कहेंगे बेटा याद रखिएगा कौन है नेमार है नेमार और बाकी जितने भी यहां पर तीन ठो दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से ग्रेबियल बाकी है मार्कोस रोजो है लियोनस मेसी है ये सभी के सभी कहां से हैं तो कहना ये तो है अर्जेंटीना ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं ये सभी सभी कहां के खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और बाकी ये कहा के हैं तो आप समझ गए ब्राजील के हैं। अगला देखिएगा डब्ल्यू 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 एक का पूरा नाम क्या है ये ये भैया देखा सवाल आप कहना गुरु जी एकदम आसान सा सवाल है इसका नाम क्या है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसे कहा जाता है याद रखिएगा है ना एकदम आसान सवाल है इसमें दम नहीं है नेक्स्ट सवाल देखिएगा परम शून्य ताप को दर्शाता है ये देखा

यानी इससे कम तापमान संभव नहीं है अधिक तापमान का कोई सीमा नहीं है कोई लिमिट नहीं है लेकिन मिनिमम तापमान का लिमिट है कितना है मात्र दो डिग्री सेल्सियस है और इस ताप, मर, ताप पर क्या होता है जितनी भी गति ऊर्जा होती है जो गति ऊर्जा होती है कहाँ की आप कहेंगे अणुओं की वो सभी की सभी गति ऊर्जा क्या होती है जीरो बटा लुल्ल हो जाती है याद रखिएगा जीरो बटा लुल हो जाती है सभी जितने भी होते हैं ठीक है ना बात समझ के कितना ठोकेंगे माइनस दो सौ तिहत्तर डिग्री सेल्सियस याद रखिये माइनस दो सौ तिहत्तर डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा अगला सवाल देखिएगा निम्न में से कौन सा ऐसा दीप लक्षद्वीप से संबंधित है? नहीं है कहता है मिनिकाय है कवारती है अमीनी है अमीनी ही देखा ही देखा भैया अनिल है बताओ जल्दी बताओ यहाँ पर मयंक मीना जी प्रखर तिवारी तिवारी जी बताए बेटा बताए आप भी बताए जल्दी बताइएगा प्रखर यादवाज अतुल कुमार जय हिंद जल्दी बताएं गुप्ता जी बहुत बढ़िया क्या बात है बिग 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 बैंग 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 बहुत बढ़िया साहब सिद्धांत साहब आ गए लाजवाब बेटा एकदम शानदार प्रदर्शन है ये नील नील क्या है एक नदी है नदी और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी कही जाती है सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी कही जाती है पूरे दुनिया की नील नदी है दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कहना अमेजन है और तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है तो कहना यांगसी नदी है यांगसी नदी सी उसकी कैपिटल है नेक्स्ट सवाल देखिएगा रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था रोलेट एक्ट की बात करता है उन्नीस सौ इक्कीस सत्रह उन्नीस पंद्रह जल्दी बताइएगा यहां पर जल्दी बताइए गुप्ता जी गुप्ता जी बहुत बढ़िया प्रदर्शन आपका हो रहा है आज राम सिंह झोंक दिया झोके बाबू बहुत बढ़िया झोंकला बाबू उन्नीस सौ उन्नीस में इसी को कहा जाता है बिना वकील बिना अपील बिना दलील कानून कहा जाता है इसी को काला कानून कहा जाता है यही है काला कानून कहा जाता है यही है काला कानून और संदिग्ध अवस्था में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था चला अगला सवाल देखा भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो राज्यपाल बनने के लिए राज्यपाल बनने के लिए क्या चाहिए कौन सा आयु चाहिए यह सवाल आपसे पूछ रहा बहुत बढ़िया बेटा झोंक दिया जवाब अरे विनोद भैया कैसे चालीस छोक डला बाबू यहां पर देखिए पैंतीस वर्ष इसका उम्र होना चाहिए किसका राज्यपाल बनने का अगर राष्ट्रपति की बात करता ना राष्ट्रपति बनने का तो भी इसका कितना होता पैंतीस साल होता पच्चीस साल किसका होता कहना आप पीएम का होता और साथ में सीएम का होता है सीएम और पीएम बनने का आयु कितना होता है पच्चीस साल होता है और ये तीस साल किसका होता है तीस वर्ष किसका होता कहेंगे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए और पच्चीस साल किसका होता कहेंगे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या होता है इनका आयु होता है ये बात यहां पर लपेट लीजिएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या होता है देखा। जहरवा पीले बाबू हे हर देखा जहरवा तो अब आया है कम से कम पैंतीस राज्यसभा विधानसभा चला है यार साही, साहिना साहिना परीन एसपी पी हा यादवाज प्रखर यादवाज विनोद चौहान क्या बात है आ, एज में रिलैक्सेशन नहीं होता है ना राजस्थानी मीना यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री बनने का कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है जीरो बटा होना चाहिए है ना जीरो बटा मतलब अगर अनपढ़ आदमी है तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है बात याद रखिएगा ये एज रिलैक्सेशन हमारे लिए है आपके लिए है याद रखिएगा देश के प्रधानमंत्री और सीएम के लिए नहीं है लोकसभा का संदर्भ में सदन, सदन के नेता का अर्थ क्या होता है यहाँ पर सीसीआर सी है सब लोग प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया क्या बात है शानदार बेटा शानदार बहुत बढ़िया एकदम लाजवाब आप सभी लोगों ने आंसर पे ठोका है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, मंत्री, मंत्री। अर्थात याद रखेगा। याद रखिएगा रखिएगा दोस्तों लोकसभा के के संदर्भ में सदन की नेता का का अर्थ मतलब होता है संसद का मतलब ही होता है लोकसभा संसद का मतलब ही क्या होता है लोकसभा होता है अनेक प्रसंगों में संसद मतलब लोकसभा ही लिया जाता है क्यों लिया जाता है क्योंकि राष्ट्रपति अपने विवेकी शक्ति का प्रयोग करके उस लोकसभा के उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो बहुमत प्राप्त करने के लायक हो या राष्ट्रपति को लगे ठीक है ना याद रखिएगा जिसको बहुमत बहुमत होता होता है है जिस दल के नेता को बहुमत होता है, उसी को राष्ट्रपति क्या करता है <laughs> प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर देता है जब कभी स्पष्ट बहुमत न मिले किसी व्यक्ति को तो राष्ट्रपति अपने विवेकी शक्ति का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को नॉमिनेट कर उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो विश्वास मत प्राप्त करने में कामयाब होगा तो ये बात याद रखिएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा पृथ्वी की सतह पर प्लाइन होता है यानी ये पेन है अगर मैंने ऐसे फेंक दिया ऐसे फेंक दिया कितना से फेंकू हे बाहू कितना से फेंकू हो हे हे प्रखर यादवाद जल्दी बताओ बेटा युवराज बाहुबली जय हो बाहुबली जय हो जल्दी बताइएगा बाहुबली जी राजस्थानी मीना युवराज मयंक मीना क्या बात है बहुत बढ़िया बेटा एकदम छा गया बाहू छा गया सभी लोग छा गया कहेंगे ग्यारह दशमलव दो किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 11.112 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से हम फेंक दें अगर एक सेकंड में हम कितना गति प्रोवाइड करना पृथ्वी सतह से इसको 11.2 तो ये तुरंत क्या हो जाएगा पृथ्वी सतह को छोड़कर के वापस चल जाएगा और कभी लौट के नहीं आएगा चाहे हम कितना भी कहें ए मेरे दोस्त लौट के आजा इन तेरे जिंदगी अधूरी है हम चाहे कितना भी गाना गाएं वो नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा ये बात ध्यान दीजिएगा आगे देखा जाए निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है इसका बात बताना है आपको हां नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा चाहे हम ये भी कहें जीता था जिसके लिए अरे बाप रे बाप साहिल मोहम्मद क्या बात है बेटा वाह वाह जियो रे कुमार बाबू क्या बात है साहिल लाजवाब बेटा लाजवाब बहुत बढ़िया ये हरियाणा एक ऐसा हरियाणा एक ऐसा राज्य है हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा किससे मिलती है देखिए कौन कौन दिया पश्चिम बंगाल दिया हिमाचल प्रदेश दिया पंजाब दिया हरियाणा दिया है आइए थोड़ा सा पिक्चर बहुत लोगों को नहीं जानते होंगे तो यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा पिक्चर देख लीजिएगा पिक्चर देख लीजिएगा तो अच्छे से ज्यादा स्पष्टता होश हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा बाबू यहाँ पर देख लीजिएगा ये देखा भारत है ना आपको दिखाई दे रहा है यहां पर क्या है ये है कौन सा बेटा कहेंगे हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश यहां पर क्या किया ये एचपी है हिमाचल प्रदेश किससे बाउंड्री शेयर किया कहेंगे चाइना जिसका माल बिकता टिकता नहीं है दूसरा दूसरा कौन था तो तो आप कहेंगे तो पंजाब है पंजाब पंजाब ये कौन है पन्जाग है पंजाबी देखिए पंजाब किससे सीमा शेयर किया कहेंगे पाक से किया पाकिस्तान से किया पाकिस्तान से कर दिया और कौन सा था और कौन सा था आपका और आपका पंजाब है पश्चिम बंगाल अच्छा पश्चिम बंगाल देखिए पश्चिम बंगाल आपका ये है पश्चिम बंगाल आपका ये है पश्चिम बंगाल आपका देखिए ये सीमा किससे बना दिया आप कहेंगे ये सीमा बना दिया वे बांग्लादेश बनाया ये बांग्लादेश से बना दिया बांग्लादेश से बचा कौन कहेंगे हरियाणा तो हरियाणा आपका ये है ये ये कौन है ये HR है है एचआर एचआर का मतलब हरियाणा तो ये क्या कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है जी नहीं अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बना रहा है प्रखर यादव सही बात है सर आपसे मैप बना सीख रहे हैं अच्छा एकदम सीखिए झूम झूम के सीखिए देखिए करत करत अभ्यास के और जड़मत होत सुजान क्वेश्चन आवत जात दिमाग पर पड़त निशान तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही दमदार तरीके से आपको आएगा चलिए ये हरियाणा आपका हो गया सवाल का आंसर नेक्स्ट सवाल देखिएगा अगला सवाल फिर से आ चुका है आपके मैदान में प्रसिद्ध बृहदेश्वर बृहदेश्वर मंदिर मंदिर कहां पर है मंदिर की बात करते इसका निर्माण किसने किया आप कहेंगे राजराज प्रथम राज, राज, प्रथम ने क्या किया था इसका निर्माण किया था इस बृहदेश्वर मंदिर को क्या कहा जाता है इसे राजेश्वर मंदिर कहा जाता है राजेश्वर क्या कहा जाता है इन्हें मंदिर कहा जाता है और यह किसको समर्पित है समर्पित किसको है तो आप कहना किसको समर्पित है कहना शिव शिव को सीव को और यहां पर जो भक्त लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है इनको नैनार कहा जाता है नैनार याद रखिएगा ये पड़ता है कहेंगे तू मिल तू तू मिल मिल बस बाहुबली अमरेंद्र बाहूबली तरह सोचो बाबू बहुत बढ़िया है यार देखा डैश 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 झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है डैश डैश से हमको एक बात आ गया दोस्त दोस्त ना रहा दैस, दैस, दैस। और पढ़ाने के सिवा कोई कारोबार ना रहा बाकी जितना भी आपको भरना भर साहिल, कहा, साहिल, मुहम्माद, साहिल मुहम्माद यार खा, गच्चा खा गया पटवारी आज घोषणा करता हूं कि सर का क्लास अच्छी लगी आज भारत स्वतंत्र दिया जाए अच्छा अच्छा ठीक है बाबू देदा बा दा दे मिल जाएगा तो एकदम भौकाल मेंटेन हो जाएगा मेरा भाई मेरा भौकाल मेंटेन हो जाएगा आप लोग भौकाल मेंटेन कर देंगे हमारा सर ऐसे एक सौ पच्चीस नंबर में थोड़ा सा बिल्कुल हो जाएगा बेटा चलिए तो याद रखिए कौन सा है कौन सा ऐसा झील है जो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है तो ताजे पानी की झील की बात किया जाए देखा यहां पर देखिएगा ये कैसा है दिमाग लगाइए दिमाग का भी प्रयोग करिए बिंबा नाड क्या है सबसे लंबी झील है सबसे लंबी भारत की सबसे लंबी झील कही जाती है सबसे लंबी झील कही जाती है पूरे भारत की कैसे पानी का है कहा खारा पानी क्योंकि तट पर है तट पर है और केरल में पड़ता है यह सांबर झील भी कैसा है कहेंगे खारे पानी का झील है खारे पानी का याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील यही है यानी भारत का सबसे बड़ा क्या है सबसे बड़ा सबसे अगर बड़ा पूछे सबसे बड़ा खारे पानी का झील पूछे खारे पानी का झील पूछे तो क्या बताएंगे आप सांभर पूछेंगे राजस्थान में है और चिलका कौन सा है तो चिलका भी क्या है तटीय झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है याद रखिएगा सबसे बड़ी क्या है सबसे बड़ी सबसे बड़ी तटीय तटीय खारे पानी की झील है तटीय खारे पानी की पानी की क्या है कहना आप झील है ठीक है ना बचा कौन सा तो बुलर कैसा है आप कहेंगे मीठा है मीठा. है मीठा मीठा बुलर कैसा पानी का है याद रखिएगा और ये बुलर झील जो है यह एक प्रकार का कैसा है कहेंगे गोखुर झील है गोखुर झील ये गोखुर झील का एग्जाम्पल है गोखुर का मतलब होता है गाय का जो खुर होता है जो पैर होता है उस तरीके से बना हुआ है ये गोकुर झील का एग्जाम्पल है याद रखिए कौन सा किस नदी के द्वारा बनता है तो कहेंगे झेलम नदी के द्वारा झेलम नदी द्वारा क्या होता है निर्मित झेलम नदी द्वारा निर्मित ये झील है ये बात यहाँ पर लपेट लिया बाबू कल्याण हो जाए बाकी समय समय पर भारत रत्न भारत रत्न अच्छा ठीक है बात समझ गया यार देखा अगला निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है ये देखा बाबू कश्मीरी हिरण की बात करता है कश्मीरी हिरण देखा जाए किसका आता है पहला है दूसरा है तीसरा है चौथा है किसको ठोका जाए किसको ठोका जाए सब लोग सी -सी स्टार्ट कर दिए यहाँ पर विनोदवार बाबू ने ठोक दिया जियो रे विनोद बाबू बाबू क्या बात है लाजवाब ठोका ये हांगुल है हांगुल यही कश्मीरी हिरण है पाया कहा जाता है कहेंगे जे में जे का मतलब जम्मू कश्मीर में यह देखने को हिरण मिलता है नेक्स्ट सवाल देखिएगा निम्न विकल्पों में से पेशेवर भारतीय निशानेबाज को पहचानना है कौन से ऐसे भारतीय निशानेबाज है भारतीय निशानेबाज का नाम बताना है आपको भारतीय निशानेबाज का नाम बताना है जल्दी बताइएगा यहाँ पर जल्दी बताइएगा कौन भारतीय निशानेबाज है क्या बात है ये देखा आ गया गया सन्नाटा छा क्लास में पूरे क्लास में सन्नाटा आ चुका है यहाँ पर देखा देव निषाद साहब ठोक दिए बहुत बढ़िया बेटा देखा ऐसा सवाल आता तो आदमी लौटता है खाली माटी में नागिन की तरह लौटता है आदमी सांप की तरह लौटता है बहुत बढ़िया देखा 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 सिटीजनशिप सिटीजनशिप साहब स्वागत है सिटीजन सिटीजन स्टैंडर्ड वर्मा ऑफिशियल क्या बात है सब लोग भैया नाच चुके हैं नाच चुके हैं ना माटी में लोट चुके हैं होली की तरह होली की तरह लेट चुके हैं यार देखा अंकित कुमार बेटा क्या बात है एकदम सही बात है अंकित है, नाम याद रखिएगा अंजलि भागवत अंजलि भागवत ये पहले भारतीय पेशेवर से भारतीय निशानेबाज यही है अंजलि भागवत ये बात यहाँ पर याद रखिएगा नेक्स्ट सवाल है पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है बेटा सूर्य ग्रहण कब होता है पूर्ण की बात करता है देखिए एक कैसा होता है आंशिक होता है एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है और एक कैसा होता है पूर्ण होता है पूर्ण जो होता है प्रत्येक अमावस्या को होता है कब होता है अमावस्या अमावस्या को होता है, होता है? अमावस्या, है अमावस्या को होता है याद रखिएगा कब होता है इसमें क्या आता है इसमें क्या आता है सी नंबर बहुत बढ़िया बेटा एकदम सही बात है आप सभी लोगों का आंसर सही है देगा ये क्या है ये बिचवा में है मून ये कौन है मून है मून ये कौन है मून है ये कौन है ये कौन है आप कहेंगे गुरु जी ये आपका कौन है ये आपका सन है ये कौन है ये आपका सन है ये कौन है सन है सन और ये कौन है तो आप कहना ये आपका अर्थ है अर्थ ये कौन है अर्थ है ये कौन है अर्थ जब देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है जब पृथ्वी और सन के बीच में कौन आ जाए चंद्रमा आ जाए जब चंद्रमा आ जाए कौन आ जाए चंद्रमा आ जाता है चंद्रमा आ जाता है तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में क्या होता है जब सूर्य की कीड़ा यहां से निकलती है ना जब सूर्य की किरणें यहाँ से निकलती हैं ऐसे जब निकलती हैं सूर्य की किरणें जब निकलती हैं इस तरीके से जब निकलती हुए जाती हैं सूर्य की किरणें जब निकलती हुए ऐसे जाती हैं ना तो होता क्या है देखिएगा ये इस तरीके से देखा अरे यार बाप रे इधर देखिएगा देखा सूरज की किरण ऐसे निकलती है ये इस तरीके से ऐसे जाती है ये जरा ध्यान दीजिएगा ये सूरज की किरण ऐसे जा रही है ना सूरज की किरण जा रही हैं देख रहे हैं तो बीचवा में कौन आ गया मून आ गया तो मून आने से क्या होगा ये सूरज यहाँ इतना पूरा ढक जाएगा ये पूरा पूरा सूरज ये मून आ गया मून ये मून की परछाई यहाँ पर पड़ गई ये मून की परछाई हो गया तो सूरज पर क्या हो गया ग्रहण ग्रहण हो गया और इस पार्ट को क्या बोला जाता है ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला ये जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं इसको कहा जाता है किट कहा जाता है इसको किरीट कहा जाता है किरीट ठीक है ना किट कहा जाता है ये बात याद रखिए यही आपका क्या है पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है इसी को क्या कहते हैं यही आपका पूर्ण सूर्य सूर्य ग्रहण कहा जाता है यह बात ध्यान दीजिएगा सूर्य ग्रहण में हमेशा चंद्रमा बीच में आता है तो याद करने का तरीका क्या है याद करने का तरीका यही कि सूर्य ग्रहण का मतलब हुआ उल्टा चंद्र ग्रहण नहीं चंद्र ग्रहण नहीं सूर्य ग्रहण का मतलब चंद्रमा बीच में आ जाएगा बस यही उल्टा याद रखिएगा बात समझ गए बहुत बढ़िया चलिए यार देखा जाए तो कौन हो जाएगा इसमें सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाती हैं याद रखिएगा और इस समय बृहद ज्वार भी आता है धरती पर बृहद ज्वार आता है अगला सवाल देखिएगा नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है मैदान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुआ यानी इसरो की बात कर रहा है इसरो की स्थापना याद रखिएगा इसरो का स्थापना कब होता है बताना है आपको इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है आप कहेंगे ये पड़ता है बेंगलुरु में बेंगलुरु में पड़ता है बेंगलुरु में ये कहाँ पड़ता है कहेंगे के मतलब कर्नाटक में पड़ता है इसका स्थापना कब होता है बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है विक्रम सारा भाई का नाम याद रखिएगा विक्रम सारा भाई विक्रम सारा भाई के मदद से इन्हीं के सहयोग से क्या होता है 1979, का अगला इनमें से लेडी विद लेडी विद खिताब दिया गया किसे दिया गया आप कहना गुरु जी एकदम आसान सा सवाल है इसमें कोई दम नहीं है फ्लोरेंस नाइटेंगल का नाम यहाँ पर लपेट लीजिएगा कल्याण जाएगा ये जो दूर से खूबसूरत नजर आ रही है ये रातें तबाही की ओर जा रही है वाह वाह बना दो मोहे पटवारी बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है? सांदार। यहां SSC, बात है है शानदार ये देखा पर देखिएगा की हो रही है। और इंग्लिश का महा मैराथन चलने जा रहा है महा मैराथन नहीं उल्टा मैं बोल दिया जैसे क्या होता है एक महाकुंभ का आयोजन होता है महाकुंभ प्रत्येक बारह वर्षों में होता है और अर्धकुंभ कितने वर्षों में होता है छह वर्षों में होता है तो ये छह घंटे का मैराथन है अर्थात अर्ध मैराथन कहा जा सकता है अर्थ मैराथन मैराथन है और सीना के के द्वारा तरीके से अप्रैल को यह क्लास स्टार्ट होगा किसका सामान्य उदाहरण है आप कहेंगे गुरु जी चाहे लोहे में जंग लगे चाहे क्या हो दूध का दूध का दही में बदलना दूध का किसमें कहना दही में बदलना और साथ में याद रखिएगा साथ में याद रखिएगा मोमबत्ती का जलना मोमबत्ती का क्या मोमबत्ती का जलना मोमबत्ती का जलना लकड़ी का जलना किसका लकड़ी का जलना लकड़ी का क्या बेटा जलना ये सभी के सभी क्या होते हैं ये सभी के सभी रासायनिक परिवर्तन होते हैं सभी के सभी रासायनिक सही बात है सभी लोगों का आंसर छोक करके आया सही नेक्स्ट सवाल देखिए राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है आप कहना गुरु जी एकदम आसान सवाल है इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है आसान मेरे लिए है आप लोगों के लिए नहीं है आप लोगों के लिए जहर है जहर है, ये जहर है देखो ना बहुत अच्छे लोग नाच चुके होंगे इस सवाल में देख लीजिएगा ये हैदराबाद में इसका अनुसंधान केंद्र है ये बात याद रखिएगा 1961 में इसका स्थापना हुआ है नेक्स्ट सवाल देखिएगा पृथ्वी की भू प्रपर्टी क्रस्ट में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो पूरे पृथ्वी पर बात किया जाए क्रस्ट में तो ओ सबसे ज्यादा पाया जाता है इसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है इसके बाद एल्यूमिनियम पाया जाता है इसके बाद फेरस पाया जाता है इसके बाद कैल्शियम पाया जाता है एक क्रम आप याद रखिएगा एक क्रम याद रखेंगे

यह जो हैली पुछल तारा है याद रखिएगा यही एक मात्र एक ऐसा पुछल तारा है जिसे आप नंगी आंखों से देख सकते हो पृथ्वी सतह से और हमेशा कहां दिखाई देगा तो आप कहेंगे उत्तरी ध्रुव की तरफ उत्तरी ध्रुव की तरफ आपको दिखाई देगा रात में दिखाई देगा कब दिखाई देगा कहेंगे रात में दिखाई देगा उत्तरी ध्रुव की तरफ रात में दिखाई देता है और धूम केतु क्या होता है यह पत्थर धूल बर्फ के क्या होते हैं सब अवशेष होते हैं जो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और प्रत्येक छिहत्तर वर्ष के बाद क्या होता है दिखाई देता है अब जो दिखाई देगा कब दिखाई देगा कहेंगे उन्नीस सौ उन्नीस सौ इकसठ दो हजार इकसठ ईस्वी में क्या होगा दिखाई देगा दो हजार इकसठ ईस्वी में क्या होगा यह पुनः देखा जाएगा छिहत्तर वर्षो में देखा गया था ठीक है ना इसके पहले अगर छिहत्तर आप निकाल देंगे तो जो आपका आंसर आएगा मतलब उतने समय देखा गया था बात आप समझ गए अगला देखिएगा कितने शहर में महाराणा महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर जंतर और किसका मंतर ये देखिएगा जादू 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 सीखा हूं मैं याद रखिएगा किसी भी व्यक्ति को मैं तत्काल प्रभाव से यहाँ ला सकता हूं किसी भी व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से गायब कर सकता हूँ ये है जादू जादू है जादू बहुत बढ़िया क्या बात है यहाँ पर लोहार लोहार बाबू लोहार क्या बात है बाबू लोहार साहब ने ठोक दिया है बी ठोक दिया है वाह वाह क्या बात है बी ठोक दिया है तीन ठोका हो ही देखा ये देखा तीन ठो बता रहे हैं बाबू लोहार तीन ठो बता रहे हैं गड़बड़ा दिया पूर्णिमा गुड़िया जल्दी बताओ आप भी बताओ वहां से है ना फरमान खान साहब ने सी ठोक दिया वाह वाह क्या बात है बहुत बढ़िया फरमान खान साहब क्या आंसर ठोका लाजवाब ठोका शानदार बहुत बढ़िया आगे 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 ठोकीे आगे, आगे 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 चलते रहिए बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए है ना माता का प्रसाद लेते रहिए बढ़ते रहिए साहिल मोहम्मद मोहम्मद बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है शानदार बहुत बढ़िया साहिल साहब बहुत बढ़िया छोके आप पांच शहरों में है याद रखिये कहाँ आप कहेंगे सबसे पहले बात किया जाए तो पड़ता है कहाँ पर दिल है दिल वालों का दिल्ली में है उसके बाद कहा पड़ता कहेंगे जयपुर में है इसके बाद कहां पर पड़ता है कहेंगे उज्जैन में है उज्जैन में इसके बाद कहा पड़ता है कहेंगे वाराणसी में है वाराणसी में इसके बाद कहा पड़ता है कहेंगे मथुरा में है मथुरा में ये बाबू कितना सार हो गई हो आप कहेंगे पांच हो गए गुरु जी और कितना हुआ पांच यहाँ पर लपेट दीजिएगा पांच 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 मतलब पांच माता का प्रसाद हार हाँ राजस्थानी अगला देखिएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव प्रथम आम चुनाव की बात करता ही देखा एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जब प्रथम आम चुनाव हुआ था तो इसी समय क्या हुआ था प्रथम निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे उनका नाम क्या था कहेंगे सुकुमार सेन सुकुमार सेन का नाम याद रखना सुकुमार सेन का नाम आप यहां पे याद रखना सुकुमार सेन यही क्यों है भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कहे जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनका कार्यकाल कितना यानी कार्यकाल कितना होता निर्वाचन आयुक्त का आप कहेंगे छह वर्ष या पैसठ वर्ष छह वर्ष या 65 में से जो पहले हो जाए वही इनका क्या होता है कार्यकाल होता है बहुत बढ़िया बेटा उन्नीस ठोका बेटा अगला देखिएगा हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सदन के वोटों की समतुलता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा यानी कास्टिंग मत का मतलब यह हुआ जब किसी मत पर मतदान होता है और बराबर की मत पड़ जाती है तो उस कंडीशन में जीत हासिल कराना आवश्यक होता है निर्णय लेना आवश्यक होता है तो उसके लिए क्या होता है बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है सौ है ये आर्टिकल नंबर यह सौ यही कास्टिंग वोट को बताता है किसको बताता है कहेंगे कास्टिंग कास्टिंग वोट को बताता है वोट को बताता है आर्टिकल नंबर देखिएगा आर्टिकल नंबर ये सी सी मतलब संतानवे देखिएगा संतानवे ये जो आपके लोकसभा राज्यसभा में जो आपके लोकसभा में अध्यक्ष होता है उपाध्यक्ष होता है राज्यसभा में कौन होता है सभापति होता है उपसभापति होता है इन सभी लोगों का क्या देता है इन सबका वेतन भत्ता वेतन और किसका भत्ता का उल्लेख आपको मिलता है आर्टिकल नंबर ये संतानबे याद रखिएगा और साथ में सौ आर्टिकल नंबर आप यहां पर याद रखिएगा ठीक है ना बात समझिए आगे देखिएगा इस तारीख को सबिना अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया ये देखा कहेंगे का तमाशा खड़ा कर दिए गुरुजी? ऐसा भी कोनो सवाल होता है क्या अरे सर हम सोचे पूर्णिमा मिश्रा जिसने, जिसने मैंने दिल लगाया वो दिल्ली चली गई जब मैं दिल्ली पहुंचा तो वो इटली चली गई मैंने सोचा अपनी जान दे दू लाइट तार आगे भाग गया हो पढ़ी नहीं पाए चलिए यार देखा जाए आंसर आना स्टार्ट हो गया स्टैंडर्ड वर्मा वर्मा बारंबार अशोक सारेन, लाजवाब किस तारीख को सबिना तो दांडी मार्च निकला था वही है 12 मार्च 1930 को, लेकिन तो सबिना अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ का डेट क्या है आप कहना गुरु जी छह अप्रैल का जमाना था छह अप्रैल उन्नीस सौ ईस्वी को क्या होता है सब अवज्ञा मतलब विनय के साथ हम अवज्ञा करेंगे जाओ गांधी जी कहे चल देखा अगला है इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है गंगा की सहायक नदी है गंगा किनारे मोरा गांव हो घर पहुंचा द देवी मैया गंगा किनारे मोरा गांव हो अगर घर पहुंचा द मोहे मैया वाह वाह क्या बात है जियो रे शेर बाबू क्या बात है गंगा की सहायक नदी है कहेंगे गुरु जी एक तो है गंडक है गंडक है गंडक तुंग भद्रा याद रखिएगा तुंग भद्रा ये वही नदी है जिसे कहा जाता है कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी सबसे बड़ी सहायक सबसे बड़ी क्या कही जाती है सहायक नदी कही जाती है सहायक नदी तुंग भद्रा मानस किसकी नदी है आप कहना ये मानस तो सबसे बड़ी ये मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की ब्यास किसकी सहायक नदी है आप कहेंगे सिंधु की सहायक नदी है गुरु जी सिंधु की याद रखिएगा किसकी है सिंधु की है और यही सिंधु नदी तंत्र की मात्र एक नदी यही है जिसका उद्गम भारत में होता है और भारत में ही क्या होती है जाकर के समाप्त भी हो जाती है अगला सवाल देखिएगा डीजल लोकोमोटिव वर्स यानी डीएलडब्ल्यू यानी डी एल भैया जब हम बीटेक कर रहे थे तो फोर्थ ईयर थर्ड ईयर में जब थे तो हमें एक ट्रेनिंग करने को जाना था तो मैं यहीं गया था डीएलडब्ल्यू में यहां पर इंजन बनता है इंजन ये इंजन बनाने का कारखाना है यहां पर क्या बनता है इंजन बनता है इंजन इंजन बनाने का कारखाना है वाराणसी में अवस्थित है अवस्थित अवस्थित है है वाराणसी में लेकिन याद कहा गोरखपुर में भी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है वहां पर भी क्या होता है वहां पर मेंटेनेंस का काम होता है गोरखपुर में ये बात याद रखिएगा गोरखपुर में रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहां हुई थी रेशम उत्पादन की उत्पत्ति देखिएगा ये है बेटा कौन सा कहना जिसका माल बिकता है टिकता नहीं है चीन है चीन में एक शहर है हेनान क्या है हेनान शहर है हेनान शहर हेनान शहर है और इसी हेनान शहर से क्या होता है इसका क्या होता है इसका इसका शुभारंभ हो जाता है रेशम उत्पादन यही से होता है बात समझ गया ना बहुत बढ़िया चाइना से चाइना से चाइना से होता चाइना से होता बात आप गए चाइना से होता शानदार बेटा शानदार चला जल्दी बताइएगा चलिए चाइना से शानदार शानदार बेटा यहां पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है याद रखिएगा सीलिंग सीलिंग सी ये देखा नाम क्या है सीलिंग सी इन्होंने सबसे पहले रेशम की खेती की रेशम की खेती रेशम की खेती सबसे पहले किसने किया खेती चाइना में ही किया गया रेशम की खेती सबसे पहले किसके द्वारा सी लिंग सी सी लिंग सी सी लिंग सी इनके द्वारा हेना सर पर चाइना में ये बात यहाँ पर याद रखिए बाबू बाबू देखा हो देखा <coughs> आगे बताइएगा आगे आगे बताओ बाबू आगे बताओ ओके राजस्थानी मीना जी क्या बात है राजस्थानी मीना शानदार बेटा शानदार अतुल यादव अशोक सारेन बहुत बढ़िया स्टार्ट हो गया रासायनिक ऊर्जा का काम कौन करता है अब सही है।, रे बाप रे बाप। है क्या बात है यहाँ पर मयंक मीना ने डी ठोक दिया किस आधार पर डी ठोक दिया बेटा यहाँ पर देखिए रासायनिक ऊर्जा की बात करता है किस ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है कौन करेगा तो आप कहना बैटरी करेगा और कौन करेगा डायनमो की बात किया जाए तो क्या करता है यह यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा आप कहना विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत ऊर्जा में बात समझ गए मोटर क्या करता है तो आप कहना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदलता है आप कहना मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है ये बात आप समझ गए चलो आगे बढ़ा जाए अगला है ग्रेट बियर नाम है ग्रेट बियर क्या नाम है ये देखा एक आपने सुना होगा सप्त सप्त सप्तर्षि चलिए ये हम बताते हैं जहर चलिए जल्दी बताइएगा बताइएगा इसका आंसर हमें आंसर चाहिए आप सभी लोगों से आंसर चाहिए इसका आंसर चाहिए वाह वाह छोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा वाह वाह क्या बात है <laughs> जियो रे बेटा क्या बात है हाँ एकदम सही बात है शानदार क्या बात है बेटा एकदम दिल को जीत लिया रमेश कुमार यादवाज बहुत बढ़िया रमेश कुमार यादवाज जी ने फरमान सभी लोगों ने फरमान साहब गड़बड़ गच्चा खा गया बच्चा कोई बात नहीं है देव निषाद का भी यहाँ पर आंसर एकदम सही है देव निषाद साहब का भी एक आंसर सही है देव निषाद का भी यहाँ पर आंसर सही है शाबाश 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 दे देखिए ये ग्रेट बियर आपने सुना होगा सप्तर्षि क्या सुना होगा सप्तर्षि तारा सप्तरसी सप्तऋषि सप्तषि तारामंडल तारा तारा मंडल कहा जाता है इसे याद रखिएगा सप्त सप्तर्षि तारा मंडल कहा जाता है यह क्या है एक गैलेक्सी है तारामंडल है यह क्या है ग्रेट बियर क्या है बेटा एक प्रकार का गैलेक्सी है गैलेक्सी ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में गैलेक्सी की बात करें तो अरबों की संख्या में गैलेक्सी है अरबों की संख्या में गैलेक्सी है और गैलेक्सी का मतलब क्या होता है यह ताराओं के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है जैसे मान लीजिए एक तारा है इस तरीके से ताराओं का समूह है ताराओं का समूह को क्या कहते हैं गैलेक्सी कहते हैं यह ताराओं के समूह को क्या कहते हैं गैलेक्सी कहा जाता है गैलेक्सी है यह एक ताराओं का समूह गैलेक्सी है असंख्य ताराओं के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है बात याद रखिएगा बहुत सारे गैलेक्सी हैं बहुत सारे गैलेक्सी हैं ब्रह्मांड में है ना और उसमें एक आपका क्या है सर्फीलाकार गैलेक्सी है जिसे मंदाकिनी कहा जाता है उसी मंदाकिनी में अपना ब्रह्मा अपना सौर मंडल अवस्थित है जिसमें पृथ्वी है जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं का पता का पता कि कोई और गैलेक्सी ब्रह्मांड में हो जहां पर जीवन चल रहा हो इसी प्रकार से पढ़ाई चल रहा हो एस एससी जी डी सी आर पी एफ कांस्टेबल की भर्ती निकला हो लोग पढ़ाई कर रहे हो का पता कहीं और भी कुमार वर्मा हो किसी और ग्रह पर काम कर रहे हो हो सकता हो यह सब रह से अभी इसका कोई पता नहीं कर पाया ये तो एक गैलेक्सी की बात यहाँ चल रही है ठीक है ना मंदाकिनी की और मंदाकिनी का आकार कैसा है कहना मंदाकिनी का आकार कुछ इस प्रकार से है ये मंदाकिनी का आकार है बेटा ये मंदाकिनी का आकार है ये मंदाकिनी का आकार है ये जो मंदाकिनी है मंदाकिनी मंदाकिनी है मंदाकिनी 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 देखिए का मंदाक्नी जो अपनी गैलेक्सी है 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 ये इसी शेप में है। है ना इसमें तीन आर्म है है। तीन आर्म है। और इस तीन आर्म में एक ही आर्म पर क्या है ये सूरज है ये सूरज के चारों तरफ सभी के सभी क्या है ग्रह है ग्रह ये सब घूम रहे हैं ये घूम रहे हैं घूम रहे हैं एक आर्म पर अवस्थित है याद रखिएगा समझ गया ना तो ये कौन सा हो गया गैलेक्सी होगा ये देखा जी आपका बिना बैच रगड़ के चल रहा है जबरदस्त तरीके से चल रहा है और प्रैक्टिस वगैरह खूब चल रहा है झोकम झोंक चल रहा है तो आप चाहे ले सकते हैं है ना काम आ जाएगा आपके है ना काम आ जाएगा आगे देखिएगा कैसे कैसे लेना है देखिए तमाशा और आगे देखिएगा क्या है ये टाइमिंग है हिंदी का डेली तीन बजे चलता है रीजनिंग चार बजे चलता है जीके जी अभी जी आपने देखा तत्काल प्रभाव में साक्षात आपने दर्शन दिया है और यहाँ पर मैथ इसके बाद आपका चलेगा रगड़ करके चलेगा जबरदस्त तरीके से चलेगा ठीक है पूर्णिमा गुड़िया सही बात है ना गुड यशपाल सिंह जी बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है प्रखर यादवाज फरमान खान आप सभी लोग रामेश कुमार सभी लोग आप लोग जबरदस्त तरीके से क्लास में आए हमारा जो है मनोबल बढ़ाए आप लोग मनोबल बढ़ाते हैं तो हम जोश में आ जाते हैं जोश के बाद हम होश खो बैठते हैं फिर जो है बहुत तेज फार्म मेंटेन होता है हमारा फार्म फिर मेंटेन होता है और स्पीड तो जब मैं पकड़ता हूँ तो पता नहीं चलता कितने लोग ट्रेन से छूट गए कितने लोग बैठे कितने नहीं बैठे ठीक है ना तो चलिए दोस्तों इसी साथ सो नाइट, कल भी बताया था आज भी बता रहा हूं जय जवान जय किसान का नारा उन्नीस में सबसे पहले किसने दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था भारत और चीन युद्ध के दौरान दिया था और यहां पर किसने दिया जय जवान जय किसान का नारा तो काना कुमार वर्मा ने दिया जय हिंद जय भारत Thank <laughs>